राहुल पर प्रमोद कृष्णम का तंज, जहां कह रहे हैं मैच देखा एमसीडी नतीजे भी देखे, तो तंज करते हुए अब राहुल गांधी पर सवाल और राहुल पर प्रमोद कृष्णम का ये तंज, ये कहते हुए एमसीडी का रिजल्ट भी देखना चाहिए। हालांकि समीर, इस बारे में आप बात कर रहे थे कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस में सवाल अब मंथन का भी ये सामने क्या आता चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, समझ में नहीं आ रहा है। अनिल यादव सुन रहे हैं आप, आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं एमसीडी का रिजल्ट भी देखना चाहिए राहुल गांधी को, यानी प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार अब राहुल गांधी को बता रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हालत हो गई है। नहीं देखिए, इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र किस कदर है कि यदि कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि हमारी पार्टी में कोई कमी रह गई है तो वो बिल्कुल खुले मन से भी कह रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि सिर्फ दो लोग रहेंगे और दो ही लोग कहेंगे, यहाँ तो जिसका अगर किसी को कोई कमी लगती है तो वो बोल देता है। जहां तक आचार्य जी की बात है, आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात है, मैं समझता हूँ कि उनको पार्टी के पटल पर ये बात उठानी चाहिए यदि उन्हें कुछ लगता है तो, और हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। लेकिन जो एमसीडी का जो चुनाव हुआ है वो निश्चित तौर पर हमें आत्मचिंतन तो निश्चित तौर पर करना ही पड़ेगा, लेकिन एक बात यह है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस को 4% वोट मिला था, अगर उसके हिसाब से देखें तो अभी तक हम 14% के वोट शेयर के आसपास आ गए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भरोसा पहले कांग्रेस में संतुष्ट रहेंगे क्या। बात यहां पर यह है कि मैं अभी एक महीने गुजरात में था, वहां पर भी लोग ये बात कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने खुला मैदान दे दिया है आम आदमी पार्टी। आपको ऐसा लगता है एमसीडी चुनावों में भी यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उतनी मेहनत नहीं की, आम आदमी पार्टी को खुला मैदान दे दिया, ये स्थिति क्यों है? जी, मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आप गुजरात की बात करेंगे तो अब से कुछ दिन पहले गुजरात में केजरीवाल जी कह रहे थे कि 100 से ज्यादा सीटें वो जीत रहे हैं, और जो मीडिया चैनल्स हैं, जितने बड़े पत्रकार हैं, आप जैसे जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं, सभी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से कहीं ज्यादा बेहतर दिखा रहे थे और बता रहे थे बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन जब से एग्जिट पोल आया, आपने भी स्थिति देखी और कल देख लीजिएगा, साफ हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी मनोबल जोश हाई है। इसीलिए हमने देखा समीर, अहमदाबाद में भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, जीत दिल्ली में हो रही है लेकिन जश्न अहमदाबाद में भी बन रहा है।